आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के सत्संग और साक्षात्कार दोनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और उस समय आपने उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव जरूर किया होगा। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मेरे जीवन में ये अवसर आचार्य श्री का विशेष स्नेह और आशीर्वाद का सौभाग्य निरंतर मिलता रहा है। मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं। मुझे याद है जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मैं कार्य संभालता था, उसी कालखंड में आचार्य जी का गुजरात आना हुआ था। मुझे उस समय उनकी अहिंसा यात्रा में, मानवता की सेवा के अभियान में शामिल होने का अवसर भी मिला था। और मैंने तब आचार्य प्रवर के सामने कहा था, मैं चाहता हूं ये तेरा पंथ मेरा पंथ बन जाए। आचार्य श्री के स्नेह से तेरा पंथ भी मेरा पंथ बन गया और मैं भी आचार्य श्री का बन गया। साथियों, मैंने हमेशा उनके सानिध्य में ये अनुभव किया कि उनके जैसे युग ऋषि के जीवन में अपने लिए कुछ नहीं होता है। उनका जीवन, उनका विचार, उनका चिंतन, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ समाज के लिए, मानवता के लिए ही होता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते भी थे, मैं और मेरा, आचार्य जी बार बार कहते थे, मैं और मेरा छोड़ो तो सब तुम्हारा ही होगा। उनका ये मंत्र, उनका ये दर्शन उनके जीवन में स्पष्ट दिखाई भी देता था। हम सब ने देखा है उनके जीवन में उनका अपना कुछ नहीं था, लेकिन हर कोई उनका अपना था। उनके जीवन में परिग्रह किसी भी वस्तु का नहीं था, लेकिन प्रेम हर व्यक्ति के लिए था, जीव मात्र के लिए था। साथियों, दुनिया में जीवन जीने का दर्शन तो आसानी से मिल जाता है, आज तो गूगल गुरु को पूछोगे तो भी मिल जाएगा, लेकिन इस तरह का जीवन जीने वाला आसानी से नहीं मिलता। जीवन को इस स्थिति तक ले जाने के लिए तपना पड़ता है, अपने आप को तपाना पड़ता है। समाज और समाज की सेवा के लिए खपना पड़ता है, तिल तिल जलना पड़ता है, और ये कोई साधारण बात नहीं है। पर असाधारण व्यक्तित्व ही असाधारण को चरितार्थ करता है। तभी तो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर जी कहा करते थे कि आचार्य महाप्रज्ञ जी आधुनिक युग के विवेकानंद है। इसी तरह दिगंबर परंपरा के महान संत आचार्य विद्यानंद जी महाप्रज्ञ जी की तुलना जब करते थे तो
तो कहते थे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी उनकी याद दिलाते हैं, उनकी बराबरी से सोचते थे। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने जो साहित्य रचना की, जो ज्ञान परोसा, वो अद्भुत थी। हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो खुद भी साहित्य और ज्ञान के इतने बड़े पारखी थे, वो अक्सर कहते थे कि मैं आचार्य महाप्रज्ञ जी के साहित्य का, उनके साहित्य की गहराई का, उनके ज्ञान और शब्दों का बहुत बड़ा प्रेमी हूं। ये वाजपेयी जी कहते थे। वाणी की सौम्यता, मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज, शब्दों के चयन का संतुलन, ये त्रिवेणी ईश्वरीय वरदान के बिना संभव नहीं होती है, और ये वरदान उन्हें प्राप्त था। साथियों, आप भी आचार्य श्री के साहित्य को पढ़ेंगे, उनकी बातों को याद करेंगे, तो आपको भी अनुभव होगा कितने ही महापुरुषों की छवि उनके भीतर थी, उनका ज्ञान कितना व्यापक था। उन्होंने जितनी गहराई से अध्यात्म पर लिखा है, उतना ही व्यापक विजन उन्होंने फिलॉसफी, पॉलिटिक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स जैसे अनेक विषयों पर भी दिया है। इन सब्जेक्ट्स पर महाप्रज्ञ जी ने संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश में 300 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, और आपको उनकी वो पुस्तक तो याद होगी, और नहीं है तो याद कर लेना चाहिए। और मैं तो रेकमेंड करता हूं उसे बार बार पढ़ना चाहिए, द फैमिली एंड द नेशन। ये किताब महाप्रज्ञ जी ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ मिलकर लिखी थी। एक परिवार सुखी परिवार कैसे बने, एक सुखी परिवार एक समृद्ध राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकता है, इसका विजन इन दोनों महापुरुषों ने इस किताब में दिया है। मुझे वो दिन भी याद है जब मुख्यमंत्री कालकाल में अब्दुल कलाम जी जब गुजरात आए थे, तब मैं भी उनके साथ आचार्य प्रवर के दर्शन के लिए गया था, और मुझे एक साथ दोनों महापुरुषों के सानिध्य का सौभाग्य मिला था। दोनों की एक साथ उपस्थिति में मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया कि हमारे यहां एक ऋषि किस तरह वैज्ञानिक दृष्टि रखता है, और एक वैज्ञानिक किस तरह से ऋषि प्रेमी हो सकता है। महाप्रज्ञ जी के बारे में डॉक्टर कलाम कहते थे, उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, वॉक, एक्वायर एंड गिव, यानी कि सतत यात्रा करो, भ्रमण करो, परिव्राजक, ज्ञान अर्जित करो, और जो कुछ भी जीवन में है वो समाज को दे दो। साथियों, महाप्रज्ञ जी ने अपने जीवन में हजारों किलोमीटर की यात्रा और पदयात्रा की, अपने अंतिम समय में भी
वो अहिंसा यात्रा पर ही थे। वो कहते थे, आत्मा मेरा ईश्वर है, आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी भक्ति है, संयम मेरी शक्ति है और अहिंसा मेरा धर्म है। इस जीवन शैली को उन्होंने खुद भी जिया और लाखों करोड़ों लोगों को भी सिखाया। योग के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने डिप्रेशन फ्री लाइफ की कला सिखाई। ये भी एक सुखद संयोग है कि एक दिन बाद ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। हमारे लिए ये भी एक अवसर होगा कि हम सब सुखी परिवार और समृद्ध राष्ट्र जो महाप्रज्ञ जी के स्वप्न को साकार करने में हम सब मिलकर के योगदान दें, उनके विचारों को घर घर तक, समाज के हर तबके तक हम पहुंचाएं। साथियों, आचार्य महाप्रज्ञ जी ने हम सबको एक और मंत्र दिया था और उनका ये मंत्र था, स्वस्थ व्यक्ति, स्वस्थ समाज, स्वस्थ अर्थव्यवस्था। आज की परिस्थिति में उनका ये मंत्र हम सबके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज देश इसी मंत्र के साथ, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुझे विश्वास है, जिस समाज और राष्ट्र का आदर्श हमारे ऋषियों, संत आत्माओं ने हमारे सामने रखा है, हमारा देश जल्द ही उस संकल्प को सिद्ध करेगा। आप सब उस सपने को साकार करेंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, सकुशल रहें। संत प्रवर आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के जीवन संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाते रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आचार्य जी के श्री चरणों में प्रणाम। धन्यवाद।